वीडियो एडिट करते करते रात के 1 बज गए थे, उसके बाद में उसको अपलोड करते करते रात के 3 बज गए। कुछ 3 बजे के बाद कभी सोया और अभी सुबह 9 बजे उठ रहा हूँ। आता हूँ, अच्छे फ्रेश होता हूँ, फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 12:15 इन द क्लॉक, मैं अभी पनवेल जा रहा हूँ, मम्मी को लेके आता हूँ। फिर घर में थोड़ा बहुत काम बाकी है, अभी जस्ट फिश टैंक साफ करके आया हूँ। और यहाँ से वापस जाने के बाद अभी मुझे क्या बोलते हैं, गाड़ी भी धुलवाना है, क्योंकि कल बारिश में पूरा मेरा गाड़ी का हालत ख़राब हो गया। और प्लस मेरा को दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहा पूरा गंदा हो गया, ये देन पूरा ये सब उसको भी धुलवाने का है। एंड देन उसके बाद में मेरे को हेलमेट भी साफ़ करना है, हेलमेट भी धोना पड़ेगा। अभी कल गीला हो गया था, नहीं दिख रहा था कुछ, तो मेरे को सब वाइज़र खोल के रखना पड़ा, तो अंदर से पूरा गीला हो गया था, वाइज़र पे भी सब धूल मिट्टी ये जमा हुए, तो अभी मेरे को उसको सब ठीक करना पड़ेगा। तो ये मैं सबसे यहाँ से निकलता हूँ, फोटोग्राफी कर रही है, पप्पा का रोड है ना, क्या करूँगा। जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था कल अपने देखा था, वो डायरेक्ट मेरे फोन के माइक से था, क्योंकि मैंने कुछ माइक एक्सटर्नल लगाया ही नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो देखा तो आवाज़ अच्छा खासा आ रहा था। माइक एक्सटर्नल लगे तो शायद आवाज़ तो आ गई, वो फॉर श्योर है, लेकिन शायद मेरा आवाज़ भी अच्छा है। कल बहुत सी जगह था जब मैं कुछ बोल रहा था, बट मेरे को आवाज़ नहीं, हवा ही ज़्यादा समझ रहा गाड़ी में। मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार, मतलब कल तो वो मेरा आवाज़ पकड़ तो रहा था, आज मैंने वो लगाया तो सिर्फ हवा पकड़ रहा है, मेरा आवाज़ है ही नहीं, मेरे को खुद मेरा आवाज़ किधर सुनाई नहीं दे रहा यार। माइक का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा यार, वायर हेडफोन के ऊपर कुछ मतलब ऐसा चिपका के देखता, वो लगा के अगर उससे काम बन जाएगा तो भी ठीक है। तो लग रही है भूख, शायद ठीक है, इसे गोएं और मेरे चप्पल है जो स्लिप होने लगा है, मतलब ये मेरे भाई का चप्पल में रहेंगे आप, मेरा चप्पल मैं कल मुस्तफ़ा के घर पे भूल गया, और साथ में घूड़ी भी उसके घर पे भूल गया। बात है ये बड़ा पाव खाता हूँ, भूख लगा है क्योंकि एंड देन ऑल्सो एल पेट चप्पल वाली रहेगी तो उसे खुलवा लेंगे। तो आप तो कभी मेरा अगर आवाज़ आ रहा रहेगा तो सोच लो, इट्स बिकॉज मैंने मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। स्पीड मेरे साथ एकदम सिंपल तरीके से, हर चीज में मेहनत तो करवाना पड़ता है यार। भैया कभी आएगा यहाँ पे, कोई दूसरा है क्या पता है आपको उधर? तो भाई ये वाली तो नहीं है, यहाँ पे एक बस की है, ये तो नहीं है यहाँ पे, अभी इधर से आए वहाँ पे बोल रहा है कि है करके। मेरा कैसा है, मेरा पुराना घर है, यहाँ पे पुराना घर है, आवाज़ तो ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, हवा आ रही होगी। यार बताओ, मतलब मैं अभी इधर से ही गया ना, आई डिडंट नोटिस, तो देख रहे मेरे को वापस वहाँ से जाते हैं ना। बस ठीक है, कोई नहीं, वो चप्पल चला लेते जाके थोड़ा वापस आ जाएंगे।
भैया ये चिपका दो ना मेरे को। हाँ वही चिपका दो, ये है ठीक है, तो कुछ नहीं कितना होगा दोनों का? दोनों का 60 रुपये। एक मिनट को देख, ऑनलाइन कुछ पेमेंट नहीं है ना? ऑनलाइन पेमेंट कुछ नहीं है ना? तो को देख मेरे को, मेरे को छुट्टा है कि नहीं। एक दो सामने ठोकर लगता है ना छः, हाँ कर दो ना, है छुट्टा? हाँ है। चप्पल तो अपना कर दिया, बन जाते बड़ा पाव खाते आज, देखते अभी बाकी का दिन क्या करते हैं यार। देखो मेरे को माइक का कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा यार, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू फॉर द माइक। तो अरे यहाँ पे ना मस्त वड़ा पाव मिसल पाव मिलता था, पर तो बिल्डिंग ही गई तो बंदा भी गया। गाड़ी छाव में लगाएंगे कोई सैंडविच वाला है, यू कैन हैव द सैंडविच एज़ वेल, आई विल हैव द सैंडविच नॉट द व्हाट। भाई मम्मी का कॉल आ रहा है, तो अपना वड़ा सैंडविच का प्लान हो गया कैंसिल क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था, उनका हो गया काम निकल हम। और आज शाम को पाव भाजी बनने वाली है, तो आपको देना है पाव। नहीं नहीं नहीं, मैं कल पूरा दिन ऐसा लगा घुमा, ये पूरा लगा कि निरल गया मैं ऐसे। थैली है, थैली है, ये मेरा मिसल पाव वाला। मैं बोली तू अभी गया है, तू रंग कॉल करना अच्छा नहीं है, जाने दे मैं दूसरी तरफ। ये पनवेल का अपना म्युनिसिपल ऑफिस है, एकदम मस्त डेवलप हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पाव दे दो ना, छः ला दी, छः कितना हुआ भैया? 500 का छोटा मिलेगा, पाँच मिनट चॉकलेट केक। मुझे वेट कम करना, मैं ये सब खा रहा हूँ। कितना हुआ भैया ये सबको बता दो? 154। अरे यार पहले देने का ना, उनसे बाद में दिया तो मैं क्या करूँ? चाबी मुझे वही देख रहा हूँ, गाड़ी पे, गाड़ी पे भी नहीं। दोस्त एक मिनट चाबी ले ले, वो एरोहेड किधर किधर बोला, किधर बोला यार कुछ कैसे अपना, ये शास्त्र बुद्धि के रोड पे नहीं है तो स्वाद किधर है? स्वाद मुझे स्वाद वही है सफरे बंधु। अरे अपना केक कहाँ से लाते थे पहले, सेफ्रॉन क्या था वो केक का शोरूम? आपको ऐसी चीज़ बता रही थी, मेरे को याद ही नहीं आ रही बिल्कुल। सत्य बुद्धि क्लासेस मालूम है ना, लाइन में स्वाद है देख। अच्छा वहाँ पे था, है नहीं था? हाँ मतलब उधर ही सामने गली है। क्या पूछूँ, पूरा बॉडी चेकअप? ओके तो मेरे को मेरे मम्मी का फुल बॉडी चेकअप कराने का था, इसके लिए ये उल्टा पकड़ा, ये लेके आयो 2000 रुपये में कुछ 67 टेस्ट है। और हाँ उसमें शुगर का टेस्ट नहीं है, शुगर अलग से कराने का है तो, और बगैर खाए भी है सुबह यार। मैडम सुबह कितने बजे ओपन होता है? सुबह 8 बजे ओपन होता है। 8 बजे हो जाता है ना? रात को कितने बजे खाना खाओगे? रात को 8 बजे। रात को 8 बजे खाते हैं, 8 बजे तक खाते हैं। कितने बजे? 12 घंटे फास्टिंग लगेगा। 12 घंटे फास्टिंग, तो 8 बजे खाना खाओगे तो 8 बजे आ जाना। ओके ठीक है। हाँ यार वही वही, अच्छा ओके। सब बिल्डिंगें बन गई तो रास्ता भी समझ में नहीं आता जल्दी। क्या हुआ?
ये चला नहीं रहा है, सो सो के चला रहा है, उसके चक्कर में पीछे वाला नहीं जा रहा है ना, ऐसे में तो एक्सीडेंट तो रोक लेना गाड़ी, मोबाइल देखना है तो। सो आफ्टर द बिलो क्लिप और द अबव क्लिप और बिफोर क्लिप, जो भी क्लिप बोल दो, उसके बाद से मैंने पूरा दिन कुछ किया ही नहीं। जहाँ से दिन स्टार्ट किया था उसी जगह पे पूरा दिन निकाला है, मतलब सोफे पे। और अभी बोला ब्लॉग एडिट करके हुआ है तो इसको ख़त्म भी कर लेता हूँ, इसीलिए आया हूँ। आई होप आप लोग ने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देख लिया रहेगा, पसंद आया रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग दैट विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। एंड प्लीज शेयर योर रिव्यूज़ अबाउट माई मोटो ब्लॉगिंग। बहुत गंदा तो नहीं कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, बट अपने कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरा कैसा कर रहा हूँ, इट इज़ गुड बैड एवरेज बिलो एवरेज, प्लीज़ कमेंट करके बताओ।